गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप जो क्वेश्चन पेंडिंग रह गए एक्सरसाइज 6.2 दे, अज आप वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 6.2 एक्सरसाइज का छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटा जहा लैक्चर है अज। प्रूव डैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब होंगे एफ एक्स इज इक्वल टू लोग एक्स। कहिंदा प्रूव करो इस इंटरवल च इनक्रीज कर रहा है, आप डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स लिख देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स लिख देना एफ डैश एक्स। लोग एक्स का डेरीवेटिव होगा 1/x। हूँ एक्स की जड़ी मर्जी वैल्यू ए चुक के भरो, ये पॉजिटिव नंबर वाला इंटरवल है ना, ये पॉजिटिव नंबर का इंटरवल है, एक्स का जोड़ा मर्जी नंबर चलो ये भरो, एफ डैश एक्स 0 तो व्डा ही होना, ताडा एफ डैश एक्स 0 तो व्डा ही होना। लिखना की है, देयर फोर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। जोड़े प्रूव करने वाले सम होंगे ना, बड़े सौखे होंगे, मान लो तुम सम नहीं भी आता पेपर च, डिफरेंशिएशन करो, जे स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग लिखा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पा दो, सीधा हिसाब ग्रेटर दैन इक्वल सॉरी ग्रेटर दैन 0 पा दो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 पा दो, जे कला इनक्रीजिंग लिखा होगा फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू पाना होंगे, ये तुहाडा मतलब आंसर आ जाएगा। इत्थे आ 0 हैगा जे 0 to infinity। ये 10th क्वेश्चन सी, 11th क्वेश्चन देखो यार। प्रूव डैट फंक्शन गिवन बाय एक्स स्केयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर इन स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 to 1। कहिंदा इस इंटरवल ते ना पूरी तरह इनक्रीज करेगा ना पूरी तरह डिक्रीज करेगा, सारा सम सेम टू सेम है पिछले एक्सरसाइज पिछले मतलब टॉपिक वांगू। एफ एक्स दिता है डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स लिखांगे आपां, एफ एफ एक्स का डेरीवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव 2x, माइनस एक्स का डेरीवेटिव -1। उन्हें इंटरवल की गल की हुई है कि इस इंटरवल च ना इनक्रीज करे ना डिक्रीज करे, अपना इंटरवल लभ लेना कितने इनक्रीज करता कितने डिक्रीज करता, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स नू 0 बराबर पुट कर लो, 2x -1 नू 0 बराबर पुट कर लो, एक्स की वैल्यू होनी 1/2, एक्स की वैल्यू होनी 1/2। नंबर लाइन बनाओ, हूँ नंबर लाइन बनाई -1 तो लैके 1 तक, समझा ये क्या है ना, -1 तो लैके 1 तक 1/2 तो ब्रेक करो, इतने टेबल बनाओ, इतने लिखो इंटरवल्स, इतने लिखो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इतने लिखो इनक्रीजिंग / डिक्रीजिंग। पहला इंटरवल बना -1 तो लैके 1/2 तक, दूजा बना 1/2 तो लैके 1 तक, -1 to 1/2 के 0 आता है, इस इंटरवल च 0 लैट कर लो, इस इंटरवल च 0 लैट कर लो, आ रहा ना इस इंटरवल च 0 भरो एफ डैश एक्स, 0 भरेंगे इस एफ डैश एक्स -1 आएगा ना, यानी कि नैगेटिव होना है एफ डैश एक्स की होना है नैगेटिव, जो नैगेटिव आ गया फंक्शन करेगा डिक्रीज, जे नैगेटिव आ गया पक्की गल आ ही ना पॉजिटिव, इधर करेगा इनक्रीज, जे नैगेटिव आ रहा इधर पॉजिटिव आना इधर इनक्रीज ही करेगा। वैसे भी तुम 1/2 तो 1 के विचकार 0.7 लै सकते हो, 0.5 है ना, ये 0.7 लो भर के देख लो, इस 0.7 2 ना मल्टीप्लाई करोगे 1.4 चो 1 माइनस करांगे पॉजिटिव नंबर ही आना, पॉजिटिव नंबर ही आना, यदा मतलब पहला फंक्शन कर रहा डिक्रीज तो बाद कर रहा इनक्रीज। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की ही, वह कहता जी इस इंटरवल से ना पूरी तरह इनक्रीज करे ना पूरी तरह डिक्रीज करे, उन्होंने इंटरवल लभन नहीं सी क्या, पर आप इंटरवल बना ले, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हैगी प्रूव करना ना पूरी तरह इनक्रीज करेगा ना पूरी तरह डिक्रीज करेगा, नहीं ना करता पाया वेखो इधर डिक्रीज करता पाया इधर इनक्रीज करता पाया। देयर फोर आंसर लाइन किदा लिखनी होंगी है, आंसर लाइन किदा लिखनी होंगी है, एफ एक्स इज नाइदर स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1, ये अपनी आंसर लाइन आ जाने। अगे देखो जरा अगे 14th क्वेश्चन आप करना वो बाद करते हैं, पहले जड़े जड़े करने वाले वो देखते हैं, 16th क्वेश्चन करते हैं पहले आप।
16th क्वेश्चन करते हैं, एक दो एमसीक्यू है लेटर ऑन कर लेंगे आप। 16th क्वेश्चन, प्रूव डैट फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 तो लैके पाई तक। 0 टू पाई बाय 2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की गल होंदी भी है, पाई बाय 2 तो पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की गल होंदी भी है। एक क्वाड्रेंट लिखे मैं एफ एक्स इज़ लॉग ऑफ साइन एक्स, जो डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरीवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का डेरीवेटिव उपर दोबारा होना कोज एक्स, लॉग साइन एक्स आना 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स के उपर डिफरेंशिएशन हो जानी कोज एक्स, कोज एक्स बाय साइन एक्स बन जाना कोट एक्स। हुण एफ डैश एक्स आ गया तुहाडे कोल कोट एक्स, जिहड़ा कोट एक्स है ये पॉजिटिव ही होंदा पहले क्वाड्रेंट जीरो बाय जीरो तो लैके पाई बाय टू तक इनक्रीज ही करेगा, ग्रेटर दैन जीरो वैसे भी स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग लिखा ग्रेटर दैन जीरो पा दिओ, इन जीरो तो लैके पाई बाय टू तक, जीरो तो लैके पाई बाय टू तक, एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स लैस दैन जीरो इन पाई बाय टू तो लैके पाई तक, पाई बाय टू तो लैके पाई तक मतलब सैकेंड क्वाड्रेंट च ए जीरो तो छोटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय टू तो लैके पाई तक, मतलब इधर इनक्रीज करेगा इधर करेगा डिक्रीज, देयरफोर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग, क्वेश्चन चो वेख के आंसर लाइन बनाई दी है स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग ऑन जीरो तो लैके पाई बाय टू तक, एंड स्ट्रिक्टली शॉर्टकट मारे मैं डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय टू तो लैके पाई तक, इतने फंक्शन करेगा डिक्रीज, पाई बाय टू लिखा जा। अगे देखो जरा 17th क्वेश्चन, कई की बुक इतने मोड़ पिया होगा वो अलग स्टेटमेंट हैगी नहीं आप करना, मेरी बुक इदा है मैं 17th क्वेश्चन इदा सोल्व करा लगा। प्रूव डैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ कोज एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाई बाय टू स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग ऑन पाई बाय टू तो लैके पाई तक, एफ एक्स बराबर दिता लॉग ऑफ कोज एक्स, लॉग ऑफ कोज एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, इधर आएगा एफ डैश एक्स लॉग ऑफ कोज एक्स का डेरीवेटिव 1 अपॉन कोज एक्स, कोज एक्स के उपर डिफरेंशिएशन दोबारा करांगे माइनस साइन एक्स, कोज एक्स के उपर डिफरेंशिएशन दोबारा करांगे माइनस साइन एक्स, ए एफ डैश एक्स बन जाएगा माइनस टैन एक्स। हुण टैन एक्स पहले क्वाड्रेंट ते पॉजिटिव होंदा जीरो टू पाई बाय टू च पॉजिटिव होंदा, पर जे टैन एक्स के अगे माइनस साइन लग गया उन्हें तो नैगेटिव ही बन जाना, उन्हें तो नैगेटिव ही बन जाना, अगे लिखना किदा आपां डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा वैसे भी लिखना किदा एफ डैश एक्स इक्वल टू टैन एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन एक्स लैस दैन जीरो इन जीरो टू पाई बाय टू, पहले क्वाड्रेंट च नैगेटिव होगा क्योंकि टैन तो पॉजिटिव होंदा पर अगे नैगेटिव साइन लगा इस करके नैगेटिव बन जाना, अगे लिखना एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस टैन एक्स ग्रेटर दैन जीरो इन पाई बाय टू तो लैके पाई तक, टैन एक्स का मतलब ये टैन एक्स सैकेंड क्वाड्रेंट तो नैगेटिव होंगे पर अगे पहला ही नैगेटिव पाया है तो नैगेटिव नैगेटिव मिला के हो जाना पॉजिटिव, यदा मतलब होंगे सैकेंड क्वाड्रेंट, टैन एक्स सैकेंड क्वाड्रेंट होंगे नैगेटिव पर अगे पहला ही माइनस पाया उन्होंने मिला के पॉजिटिव हो जाना इस करके ग्रेटर दैन जीरो पा देना। जो क्वेश्चन आना पता लगता हो आंसर लाइन तो वेख के लिखता करो क्वेश्चन तो वेख के, वैसे भी उन्होंने कहा है जीरो टू पाई बाय टू जो डिक्रीज करना है लैस दैन जीरो पा दो, इतने इनक्रीज करना है इतने ग्रेटर दैन इक्वल ग्रेटर दैन जीरो पा दो, लास्ट दे आंसर लाइन लिख दो देयरफोर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय टू तो लैके पाई तक एंड स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग ऑन सॉरी इतने जीरो टू पाई बाय टू, इतने जीरो टू पाई बाय टू होना
जीरो टू पाई बाय टू जो डिक्रीज करेगा एंड स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग ऑन पाई बाय टू तो लैके पाई तक ऐसा करना। सो 18th क्वेश्चन देखो जरा, प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 100 इज इनक्रीजिंग ऑन आर, इनक्रीजिंग इन आर। डिफरेंशिएशन करो 3x square minus 6x plus 3, 3 कॉमन कढो x square minus 2x plus 1, फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनावांगे माइनस 1x माइनस 1x हो जाएगा, माइनस 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 2 बन जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई करांगे प्लस 1 बन जाएगा। एक फैक्टर आएगा x माइनस 1, अगला फैक्टर भी आएगा x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 का बन जाएगा स्केयर। उन्होंने प्रूव करने को क्या है, इज इनक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। इनक्रीजिंग का मतलब होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आना चाहिए, इनक्रीजिंग का मतलब यह होता है। हुण किसी नंबर का स्केयर हमेशा ही जीरो या जीरो तो वड्डा होता है, किसी नंबर का स्केयर आ एफ डैश एक्स है हमेशा ही जीरो या जीरो तो वड्डा होता है, देयरफोर एफ एक्स इज इनक्रीजिंग ऑन आर, एफ एक्स इज इनक्रीजिंग इन आर। किसी नंबर का स्केयर हमेशा ही जीरो या जीरो तो वड्डा होता है, इस करके एफ एक्स इनक्रीज करेगा आर के विच। आर होता है इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी तो लैके इनफिनिटी तक, रियल नंबर लाइन आर का मतलब यह होता है। 19th क्वेश्चन, इंटरवल्स इन विच वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर ई दी पावर माइनस एक्स इज इनक्रीजिंग इन, एमसीक्यू होगा कितने इनक्रीज कर रहा है, वाई दिता है अपन एक्स स्केयर ई दी पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करांगे y का डेरीवेटिव तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, इधर प्रोडक्ट रूल लाओ मतलब एक्स स्केयर मान लो यू ई दी पावर एक्स मान लो वी, एक्स स्केयर कॉन्सटेंट रख लिया ई दी पावर माइनस एक्स का डेरीवेटिव जो ई दी पावर चो सेम टू सेम उदा ही लिख देता है, पावर की डिफरेंशिएशन दोबारा माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस वन, माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस वन, प्लस एक करी ई दी पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट रख लिया एक्स स्केयर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी टू एक्स, एक्स स्केयर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी टू एक्स, कॉमन कड्डो जो तो कॉमन कड्डांगे एक तो एक्स कॉमन आएगा एक ई दी पावर माइनस एक्स कॉमन आएगा, एक एक्स कॉमन आएगा एक ई दी पावर माइनस एक्स कॉमन आएगा, इधरों बचना माइनस एक्स, एक माइनस वन बचना एक एक्स बचना, इधरों बचना टू, इधरों बचना टू, आ इक्वेशन नंबर वन इंटरवल लगना कि फंक्शन मतलब कि इंटरवल इनक्रीज कर रहा है, पुट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो, डी वाई बाय डी एक्स जीरो बराबर पुट कर लो, एक पॉजिटिव नंबर है ई दी पावर माइनस एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, ये जीरो ना कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि ई दी वैल्यू होती है 2.719, एक पॉजिटिव नंबर है ये जीरो ना कंपेयर नहीं होना, एक्स नू जीरो ना कंपेयर करांगे एक्स की वैल्यू होनी जीरो, इस नंबर नू जीरो ना कंपेयर करांगे एक्स की वैल्यू होनी टू। आप रियल नंबर लाइन बनानी है माइनस इनफिनिटी तो लैके इनफिनिटी तक, एक तो जीरो पा दो एक तो टू पा दो, उन्होंने कहा कितने फंक्शन इनक्रीज कर रहा है, इधर इंटरवल्स पाओ, इधर पाओ साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इधर पाओ इनक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग, पहला इंटरवल है माइनस इनफिनिटी तो लैके जीरो तक, दूजा है जीरो तो लैके टू तक, तीजा है टू तो लैके इनफिनिटी तक। हूँ माइनस इनफिनिटी तो जीरो च कोई एक नंबर लैट कर लो, जिदा तो ही माइनस वन ही लैट कर लेंगे हो, माइनस वन ही लैट कर लेंगे हो, जीरो ना लैट करे हो क्योंकि जीरो तो ओपन इंटरवल पे हुआ है, हूँ इन्ना समय जीरो नहीं लैट करना,
माइनस वन जो आप एच भरा आते नैगेटिव आ जाएगा। ए टर्म तो पॉजिटिव रहनी है ना क्योंकि ई की वैल्यू होगी पॉजिटिव। जड़ी टर्म का बेस पॉजिटिव होए उसकी चाहे पावर नैगेटिव ही हो जाए वह टर्म पॉजिटिव ही रहती है। पिछले लैक्चर भी समझाया ही पॉजिटिव टर्म बेस होए पावर चाहे उपर नैगेटिव होए चाहे पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव होए वह नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहा वो नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहा। आ नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना ना इनू वेखना ही नहीं। एक्स का माइनस वन लिया माइनस वन भरा इस इन्हें तो नैगेटिव बन जाना इतने एक्स का माइनस वन भरा इन्हें पॉजिटिव बन जाना इतने एक्स का माइनस वन भरा पहला नंबर नैगेटिव आ गया दूजा आ पावर वाला पहला नैगेटिव आ गया जोड़ा पावर वाला ई की पावर माइनस एक्स ये पॉजिटिव ही रहना हमेशा। एक्स का माइनस वन इस भरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी पॉजिटिव रह गया ये भी पॉजिटिव रह गया। यदा मतलब नैगेटिव नू पॉजिटिव नू मल्टीप्लाई करांगे आंसर आएगा नैगेटिव फंक्शन करेगा डिक्रीज फंक्शन करेगा डिक्रीज। हुण अगले सोल्व करन दी लोड ही नहीं जे आ नैगेटिव आ ते इन्हें अगले ने आना पॉजिटिव उस तो अगले ने भी की होना है नैगेटिव वेरीफाई कर सकते तुहानू डाउट होए इधर वन भर के वेख लो जीरो टू टू च वन होंदा ना भरो वन च आ पॉजिटिव आ भी पॉजिटिव वन भरो माइनस वन आना टू माइनस वन तो वन हो जाना मतलब पॉजिटिव ही होना टू तो इनफिनिटी जिहड़ा मर्जी नंबर लो टू तो इनफिनिटी थ्री ले लो भर के वेख लो इतने पॉजिटिव रहना आते पॉजिटिव ही है माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन नैगेटिव आ जाना पॉजिटिव नैगेटिव ना मल्टीप्लाई करेंगे नैगेटिव आ जाना। उन्होंने क्वेश्चन की किया एक इंटरवल इन विच आली वैल्यू वाई की इनक्रीज करेगी जीरो तो टू च कर रही है ना इनक्रीज जीरो तो टू च कर रही इनक्रीज मतलब आपां डी ऑप्शन टिक कर देना आपां डी ऑप्शन टिक कर देना साड़ा आंसर होएगा डी ऑप्शन आंसर होएगा डी ऑप्शन। एक फोर्टीन क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का देखो जरा फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग ऑन वन कोमा टू कहिंदा ए दी वैल्यू कढो तां जो फंक्शन इनक्रीज करे। हुण ए दी कॉन्सटेंट दी वैल्यू कढ रही है इस इंटरवल ते फंक्शन करे इनक्रीज इस इंटरवल ते फंक्शन करे इनक्रीज। वेखो जरा एफ डैश एक्स कढांगे एक्स स्क्वायर दा डेरीवेटिव हो जाएगा टू एक्स ए एक्स दा डेरीवेटिव हो जाएगा ए ठीक है। फंक्शन उन्होंने कहा स्ट्रिक्टली इनक्रीज करना चाहिए फॉर एफ टू बी स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग जे एफ स्ट्रिक्टली इनक्रीज करेगा दैन दैन एफ डैश एक्स जीरो तो वड्डा होएगा यह सम इदा ही करना सोल्व इस करके लास्ट तो कर रहे हैं टू एक्स प्लस ए भी जीरो तो वड्डा होएगा इनू फस्ट मान लो इनू फस्ट मान लो यदा थोड़ा सैपरेट तरीका है सोल्व कर टू एक्स प्लस ए जीरो तो वड्डा होएगा। हूँ फंक्शन इस इंटरवल च इनक्रीज कर रहा फंक्शन इस इंटरवल च इनक्रीज कर रहा यानी कि जी एक्स की वैल्यू होएगी वह वन तो लैके टू तक होएगी जो फंक्शन इनक्रीज करना है तो एक्स की वैल्यू फॉर एफ टू बी इनक्रीजिंग एक्स की वैल्यू ये होएगी आप टर्म बनानी है मोडरेशन करके आली टर्म बनानी है। हूँ ए टर्म बना एक्स न मल्टीप्लाई करना पैना टू ना सारे पासे टू ना मल्टीप्लाई करो इधर टू एक्स आ जाएगा इधर टू एक्स आ जाएगा प्लस ए भी बना इधर सारे पासे प्लस ए करो सारे पासे प्लस ए करो सारे पासे प्लस ए कर लांगे। हूँ आप कहने पे टू एक्स प्लस ए जीरो तो वड्डा एक पासे आप कहने टू एक्स प्लस ए टू प्लस ए तो भी वड्डा है इन्हां दोवां कंपेयर करके लिखो सीधा करके लिखो टू एक्स प्लस ए वड्डा है टू प्लस ए तो इनू सैकंड मान लो। हूँ फस्ट ते सैकंड इक्वेशन वाले देखो जरा फस्ट ते सैकंड इक्वेशन वाले देखो इधर की लगा है टू एक्स प्लस ए ग्रेटर दैन जीरो तो इधर की लगा है टू एक्स प्लस ए ग्रेटर दैन टू प्लस ए
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ 2+A ਨਾਲ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹੈਵ 2+A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਨਹੀਂ -2, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਨਹੀਂ -2। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਂਸਰ ਲਿਖਣਾ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ। ਲੀਸਟ ਵਰਡ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੀਸਟ। ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਇਜ਼ -2, ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਇਜ਼ -2। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਵਰ ਕਰਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਆ ਪੂਰੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਰਿਪੀਟ ਕੰਪਲੀਟ ਟੋਪਿਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।